डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं अभी इसके विद्यासागर सिंह के चैनल। तो देखिए, आज की वीडियो में हम आप लोग को बहुत VVIP प्रश्न ला दिए हैं, जो कि आज के एग्जाम में आप लोग को 100% गारंटी के साथ लड़ने वाला है। सीधा सीधा एग्जाम तो टच करने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बताया गया है वो सभी को याद कर लीजिए। तो चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, पहला प्रश्न, यानी पिछले वीडियो में मैंने 15 तक के क्वेश्चन को बता दिया था, इसमें 16 तक के क्वेश्चन को बता रहा हूँ। फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। और हाँ, ये वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और आप लोग को कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए, और इस वीडियो को अपने दोस्त के पास फटाफट शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो यहाँ पर आप लोग का दिया गया है पहला क्वेश्चन, यानी 16 नंबर क्वेश्चन, भवंतु किस धातु का रूप है? तो भवंतु जान लीजिए भू धातु का रूप है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का बी। 16 का बी हो गया भवंतु, बी यानी कहने का मतलब भू हो जाएगा, ठीक है। 17 देखिए, कुरु किस लकार का रूप है? तो कुरु है लोट लकार का, तो इसलिए आप लोग को बी हो जाएगा आंसर। 17 का भी बी हो गया। 18 देखिए, पश्यंतु किस लकार का रूप है? तो पश्यंतु है आप लोग हृस लकार का, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 18 का ए हो गया। 19, 19 दिया गया है, दास्यति किस लकार का रूप है? तो दास्यति आप लोग जानते ही होंगे कि लूट लकार है, तो इसलिए इसके आंसर आप लोग को हो जाएगा सी। 20 देखिए, संतु किस धातु का रूप है? संतु है अस धातु का, तो इसलिए इसके आंसर हो जाएगा आप लोग को बी, यानी 20 का बी हो गया। 21 देखिए, पाश्यति किस लकार का रूप है? तो पाश्यति है लिट लकार का, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को बी। तो 21 का आप लोग का बी हो गया। यहाँ पे 22 देखिए, 22 दिया गया, पश्यति किस धातु का रूप है? तो पश्यति है आप लोगों को पा धातु का, तो इसलिए आप लोग का 22 का ए हो जाएगा पा। यहाँ पे देखिए 23, अकरोत किस लकार का रूप है? तो अकरोत है लंग लकार, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, शुरू में अ लगाया हुआ रहेगा जरूर आप लोगों को, लंग लकार अगर रहेगा तो अ लगाया हुआ रहेगा, तो अकरोत लंग लकार हो जाएगा, यानी 23 का आप लोग का बी हो जाएगा। 24 देखिए, देही किस धातु का रूप है? देही जो है दा धातु के रूप है, दा से बना हुआ है, तो दा धातु के रूप है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 24 का ए हो गया। 25 देखिए, अहन कौन सी लकीर है? तो अहन है आप लोग जानते होंगे लंग लकार है, तो इसलिए इसका आंसर आप लोग को 25 का सी हो जाएगा। तो 25 का सी हो गया। 26 देखिए, 26 है ग्राम गम धन यत के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो गभियम बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 26 का सी हो गया। 27 देखिए, हसदन कतवतु के भाग से कौन सा शब्द बनेगा? तो इस ये बनेगा असहत, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 देखिए, पठितुम में कौन प्रत्यय है? तो पठितुम में है तुमुन प्रत्यय, ये प्रश्न फिक्स है कि आप लोग को एग्जाम में देगा ही देगा, तो याद रखिए पठितुम में तुमुन प्रत्यय है, तो इसलिए इसके अंदर 28 का आप लोग को बी हो जाएगा। 29 देखिए, पद धन सत के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो पाठन बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 का। 30 देखिए, गम धन तव्यत के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो ये बनेगा गंतव्यम, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 का ए हो गया। यहाँ पे 31 देखिए, पाधन अनियर के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो पाधन अनियर से पानियन बनेगा, पानियम, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 31 का। 32 देखिए, पवन में कौन सा प्रत्यय है? तो पवन में आप लोग जानते हैं पाधन सत्री है, जो कि ऑप्शन नंबर 32 का ए हो जाएगा। 33 देखिए, पाठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो पाठक में है पठधन रौलू, पठधन रौलू है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 33 का। 34 देखिए, लब्धुन में कौन सा प्रत्यय है? तो लब्धुन में तुमुन प्रत्यय, इसलिए इसका आंसर आप लोग को बी हो जाएगा। 34 का बी हो गया। 35 देखिए, शक्तिमान में कौन सा प्रत्यय है? तो शक्तिमान में शक्तिधन मतुम है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 35 का। 36 देखिए, रूपवान, रूपवान क्या है? तो ये जान लीजिए मतुम है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 36 का ए हो गया। और जान लीजिए आप लोग, ये प्रश्न फिक्स है कि देगा ही देगा। और जान लीजिए, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल कलर का बटन दिया गया है, उसको दबाकर फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, आप लोगों को 37 नंबर प्रश्न दिया गया है,
क्या है? तो ये अण है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, नागरिक, नागरिकों में क्या है? तो ठक है, ठक प्रत्यय, ठीक है। यहाँ पे सुंदरतम, तो सुंदरतम में क्या है? तमन प्रत्यय, तमम, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 39 का बी हो गया। 40 देखिए, सीवधन अण, सीवधन अण से बनेगा सैवा, सैवा बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 40 का ए हो गया। 41 देखिए, लाधिमा, लाधिमा से क्या होगा? तो ये इमनिच है, लाधिमा है, इमनिच। 41 का बी हो जाएगा। 42 देखिए, विष्णुधर अण से क्या बनेगा? तो विष्णुधर अण से बनेगा वैष्णव, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 42 का बी हो गया। 43 देखिए, इतिहास प्लस ठक, तो इतिहास प्लस ठक से बनेगा ऐतिहासिक, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न आप लोग को 100% गारंटी के साथ देगा ही देगा, इसको याद कर लीजिएगा। 43 का ए हो गया। 44 देखिए, जनधन तल, जनधन तल से बनेगा जनता, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनता। 45 देखिए, सर्वत्र, सर्वत्र ऐसे क्या है? तो तत् है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदा, यदा में क्या है? तो यदा में दा प्रत्यय है, दा प्रत्यय, प्रत्यय लास्ट में रहता है, तो दा प्रत्यय है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 46 का। 47 देखिए, दशरथी, दशरथी में कौन सा प्रत्यय है? यह प्रत्यय है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 48 देखिए, गंगे में कौन सा प्रत्यय है? तो ठक प्रत्यय है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी प्रश्न आप लोग को देगा ही देगा, तो इसको याद रखिएगा। 48 का बी हो जाएगा। 49 देखिए, वार्षिक, वार्षिका में कौन सा प्रत्यय है? तो ईक प्रत्यय है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 49 का बी हो गया। 50 देखिए, मृग का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो मृग का स्त्रीलिंग रूप होगा मृगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 50 का बी हो गया। 51 देखिए, अजा में कौन सी स्त्री प्रत्यय है? तो अजा में टाम स्त्री प्रत्यय है, तो इसलिए 51 का आप लोग का ए हो गया। यहाँ पे 52 देखिए, सुरमा कौन सी स्त्री प्रत्यय है? तो सुरमा है चाँप स्त्री प्रत्यय, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 52 का। 53 देखिए, 53 दिया गया, नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो नेता का, ये भी प्रश्न आप लोग को देगा ही देगा, तो नेता का स्त्रीलिंग रूप होगा नेत्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 53 का। 54 देखिए, हिम शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो हिम शब्द का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा हिमा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 54 का। 55 देखिए, इंद्र का इंद्र स्त्रीलिंग रूप, तो इंद्र का इंद्राणी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 55 के बी हो गया। 56 देखिए, किशोरी का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो किशोरी का हो जाएगा आप लोग को छिप प्रत्यय, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 56 का ए हो गया। 57 देखिए, वत्स्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो वत्स्य का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा वात्स्या, तो इसका आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। 57। 58 देखिए, युवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो युवती में ती प्रत्यय है, ती प्रत्यय, तो इसलिए इसका आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। 58 का। 59 देखिए, 59 दिया गया, नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो नारी में दिस स्त्री प्रत्यय है, तो इसलिए 59 का आप लोग का सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, 60वां प्रश्न है, बालक धन टाप का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? स्त्रीलिंग रूप बताना है बालक धन टाप से, तो ये बालिका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न आप लोग को फिक्स है कि देगा ही देगा, इसको याद कर लीजिएगा। तो ये यहाँ पे देखिए, 61वां प्रश्न है, कोकिल का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो कोकिल का हो जाएगा कोकिला, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, 61 का बी हो गया। 62 देखिए, विदस का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो विदस का हो जाएगा विदिशु, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 62 का बी हो गया। 63 देखिए, राजन शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो राजन का राजी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 64 देखिए, लेखक शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो लेखक में टाप प्रत्यय है, तो टाप स्त्री प्रत्यय हो जाएगा। 64 का ये हो जाएगा। 65 देखिए, वरुण का स्त्रीलिंग रूप शब्द क्या होगा? वरुण का स्त्रीलिंग, तो वरुणा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 65 का बी हो गया। 66 देखिए, अश्वधन टाप में कौन सा स्त्री शब्द बनेगा? स्त्रीलिंग रूप बनाना है अश्वधन टाप से, तो ये बन जाएगा अश्वा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 66 का बी हो गया। 67 देखिए, गौरी शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो गौरी शब्द में आप लोग का डी स्त्री प्रत्यय, तो इसलिए 67 का सी हो जाएगा। 68 देखिए, परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो परा से बनेगा पराजय, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भी प्रश्न आप लोग को आएगा ही आएगा। यहाँ पे देखिए, 69 नंबर प्रश्न, तो 69 नंबर आप लोग को दिया गया है, सम उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? तो सम उपसर्ग से समनार्ग नहीं बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 69 का। 70 देखिए, यानी इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, 70 दिया गया है,
नि उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो नि से नियोग बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 70 का सी हो गया था। ठीक है, ये वीडियो आपको आपको अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।